नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में शनिवार को भारतीय राष्ट्र संघ संगठन द्वारा हरदा सिटी थाना कोतवाली के उप निरीक्षक सीताराम पटेल से एनएसयूआई कार्यकर्ता मिले। उन्होंने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत पर देशद्रोही का प्रकरण दर्ज कराने को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि हमेशा विवादित बयानबाजी करने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत द्वारा किए गए बयान देश की एकता खंडता खतरे में है। गत दिनों उनके बयान आजादी 2014 में प्राप्त की गई है। सन 1947 में भीख में आजादी मिली, इसे लेकर पूरे देश में लोगों में आक्रोश है। आपको बताना चाहेंगे कंगना रनावत द्वारा दिए गए बयान से देश की अखंडता और शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शहीद मंगल पांडे, शहीद महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को जुमला बताया। ज्ञापन सौंपते समय एनएसयूआई के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हरदा एनएसयूआई द्वारा अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ ज्ञापन दिया गया है और हरदा थाने में यह मांग की गई है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। और साथ ही साथ हम यह प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति से भी मांग करते हैं कि कंगना रनावत को दिए गए सारे सम्मान वापस लिए जाए और उसके तहत रासुका के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि पूर्व में भी कंगना रनावत अभिनेत्री ने द्वारा बहुत सारे आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई, चाहे वो कहीं धार्मिक मसले हो, चाहे किसान के मामले हो, उन्हें बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई और रासुका के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके बाहर रहने से देश की एकता और अखंडता को खतरा है। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम जाएंगे, इसका फैसला एनओसीआई ने ले चुकी है और हम कोर्ट जाएंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।